राम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करेगा। बेटा, जो समय तुम्हारी राजगद्दी का था वही तुम्हारे बन जाने का है। पिताजी को समझाओ कि बुढ़ापे में अपयश न लगे, जो पुण्य से तुम्हें ऐसे सुकृत पाए हैं। हे पिताजी, हे भगवान शंकर, आज दोष तुम अवघड़ दानी। हे भगवान, तुम सबको हृदय की जानने वाले हो, सबको प्रेरणा देने वाले हो। सो राम मत देव ऐसी मेरे बेटा राम को मत ही दो, ताकि मेरे बचनों को न माने और बन की ओर न जाए, भले ही मुझे अपयश क्यों ना मिले। नहीं नहीं पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपके द्वारा जो दो वरदान दिए गए हैं, उन वरदानों की मर्यादा रखने के लिए आपका ये राम वन की ओर अवश्य ही जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप दुख का परित्याग कर दें। हे पिताजी, हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। प्यारी को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिता दुख हरो, मोद मन भरो। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। प्यारी को त्याग दो कुछ समय के लिए। प्यारी को त्याग दो कुछ समय के लिए। हे पिता, पूर्ण चरणों का लेकर एक एक आसरा। लड़ में विजयी बने कौन सकता हरा। लड़ में विजयी बने कौन सकता हरा। आज्ञा पालन करे भारी भूखा हरे। आज्ञा पालन करे भारी भूखा हरे। लौट पद से धरे कुछ समय के। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो। प्यारी को त्याग दो कुछ समय के लिए। प्यारी को त्याग दो कुछ समय के लिए। प्यारी को त्याग दो कुछ समय के लिए। इसलिए पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। हे माँ, मैं बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उनसे बन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। हाँ बेटा, प्रणाम स्वीकारे। जिनसे जिनसे मिलना है शीघ्र मिलो, मैं वलकर वस्त्र मंगा करके रखती हूँ। जब सबसे मिलकर के यहाँ आना तो फिर उन बलकर वस्त्रों को पहन करके जाना। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर नदीना। ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ।
स्वीकार करें माँ। लाल मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि एक तुम माँ के हृदय के बगीचे के फूल हो और माँ की ममता माँ ही जानती है मेरे लाल। हो मोरी बगिया का, हो मोरी बगिया का लाल तुम हजारी रागी, माँ की बगिया का लाल तुम हजारी। सोचती है अपने पुत्र के लिए, मेरा लाल बड़ा होकर की राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। एक दिन मेरा लाल राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। एक दिन मेरा लाल सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के मेरे समीप में आओ। हाँ, मेरे पास में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को तुम ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ, हाँ, लाल। हे माँ कहिए मेरे लाल। पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अब पिताजी के द्वारा मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की गई है। पिता दीन मोह कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, उनकी आज्ञा मानकर मैं 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, सो आप मुझे बन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। हे मैया। कहो मेरे लाल। और आप सुन रहे हैं माता कौशल्या। बस ये राम आपसे आज्ञा लेने आया है, सो चाहता यही हूँ कि आप मुझे खुशी मन से वन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। हे मैया। कहो मेरे लाल। मैया कर दो विदा, कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रहा दूर में, जा रहा दूर में तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार से। मैया कर
प्रदान करें मां। मेरे लाल, मैं तुम्हें किस प्रकार से आज्ञा दे दूं? यदि तुम चारों भाई सरजू नदी के तट पर खेलने चले जाते तो इतने में ही शाम ढलने पर माँ का हृदय कांपने लगता। आप कह रहे हो माँ मुझे बन के राजा। मेरे लाल, और आप हैं आचार्य ही समय सुनी सी उठी अकुलाई जाई सासु पद कमल जुग बैठ बंद सिरनाय ली तीने आशीष सास मृदुवानी अति सुकुमारी देख अकुलानी। आओ आओ पुत्र वधु सीते आओ मेरे पास आओ समीच आओ। और आप हैं आदरणीय श्री भूरा धुरिया जी आपकी तरफ से 30 पुष्पोद्राएं और आप हैं राजन कुमार आपकी तरफ से 11 पुष्पोद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। कहो अरे क्या कहना चाहती हो? लज्जा को दूर करके कहो अपनी मैया से क्या कहना चाहती हो पुत्र वधु कहो। ये मैया आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी। लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती है माँ। लज्जा को कैसे दूर करूं यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती गए तो कहती हूँ जो कहना है। पर माता आज्ञा मजली माने कौशल पति से पति से वरदान ले लिए दो चुनके। पहला तो राजी भरत का है दूसरा वन गवन का उनके। पहला तो जीवन का फैसला कराने आई हूँ। चौदह वर्षों के इस समय धर्म क्या है मेरा धर्म क्या है मेरा क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं कहिए क्या आज्ञा है माता। हे माँ आप भी मुझे मेरे स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दें। पुत्र वधु यदि राम मेरा बन को जा रहा है तो तुम अपने माता पिता की सेवा करो। पुत्र वधु आप मैं समझती हूँ कि आप भी इसलिए बेटा राम तुम ही समझाओ जानकी को तुम ही समझाओ। भैया माइक खोल दो।
हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर तुम अयोध्या में ही रुक जाना। प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे साथ वन जाने के लिए हट करोगी तो उसके परिणाम में तुम दुख ही पाओगी, सुख कभी नहीं पा सकती। क्योंकि जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरावे दिनों में है, सुख दुख है एक समान उन्हें। बलि जिनकी आत्माओं में है, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राज भवन की राजवधो, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। क्योंकि जानकी, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। सीता भी जाएगी संग में, यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आने की जाती है। जब साथ जान की जाती है, इसलिए जानकी मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक मनचित्त लगाकर सुनो। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर के तुम अयोध्या में ही रुक जाओ। हे जानकी, आपन मोर निक जो चाहो, मेरी सिया सुनो, अपने मोर बचन हमारे, बचन हमारे मान ग्रह रहो, मेरी सिया सुनो, बचन हमारे We'll be right back.
आज्ञा मानकर के मेरी तुम जानकी अयोध्या में ही रुक जाओ, जिसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। और ध्यान दें, आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं अयोध्या में रहूं, आपके साथ वन की ओर न जाऊं? एक स्त्री का परम कर्तव्य बताया है कि वह अपने स्वामी की सेवा करे। जी विन देह, नदी विन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी। जिस प्रकार से सूर्य चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है, बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। हे स्वामी, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं, यदि आप भभूते रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं, यदि आप भभूते। और आपको देखकर ही मेरे भाग का उदय होता है। हे स्वामी, तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम, भाग्य जागीरे मेरे, पुण्य जागीरे मेरे, भाग्य जागीरे हमारे, पुण्य जागीरे हमारे, भाग्य जागीरे हमारे, पुण्य जागीरे। करके दिल से अनजाना बनके, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बनके। और ध्यान में आप आ गए हमारे, दिल को बस में करके दिल से अनजाना बनके, तुमरे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन। चाहे तड़पा ले, चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले, पर स्वामी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बने जाके ओ राघो, बने जाके ओ प्रीतम, बने जाके हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे। और आप जाने की बात कर रहे हैं स्वामी, सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अग्नि जलाए, सुन ले जरा ओ जाने वाले, बिरहा की अग्नि जलाए, मुझे संग ले ले, हो मुझे संग ले ले, मुझे संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाके
जी स्वामी, मैं आपकी बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। हे जानकी, मैं समझ रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, लेकिन फिर भी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि बल होगा तो रह सकती हो। हे जानकी, अपने नेत्रों से जो अश्रु धारा बहा रही हो इसको बंद करो, अपनी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि जानकी अयोध्या में जो चित्र बने हुए हैं तुम तो उन चित्रों को देखकर डर जाती हो। मेरे साथ वन की ओर चलोगी तो तुम्हें नाना प्रकार के भयंकर राक्षस देखने को मिलेंगे, तो तुम और भी डर जाओगी। इसलिए कहना है मेरा कि तुम महलों की रहने वाली मेरे साथ वन में क्या करोगी। हे जानकी,